भाइयों आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मैं ऑफिशियल कार्ड एक और की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आज हमारे सामने फिर से आ चुकी है डिजायर, कौन सा वेरिएंट है डिजायर का, क्या कुछ अपग्रेड कर रहे हैं ये सब बताएंगे हमारे डिटेल में अंकित भाई। तो अंकित भाई कैसे हो? बढ़िया भैया। तो आज क्या कर रहे हो भैया डिजायर के अंदर, पहले तो ये बताओ मॉडल कौन सा डिजायर? ये ZXi मॉडल रहने वाला है, ना टूरस है, ना LXi, ना VXi जी। ZXi मॉडल रहने वाला है, अलॉय वगैरह इसमें नहीं आते हैं, पहले देख लो रिम ब्लैक ही आते हैं और यहाँ पे व्हील कवर लगे आते हैं कंपनी से जी भैया। उसका डोर वाइजर वगैरह कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, लोअर गार्निश भी देती है और साइड बिडिंग भी आपको प्रोवाइड करती है जी भैया। सामने से जो हम लोग इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप देख लो कि इसके अंदर हेलोजन आते हैं, हेडलाइट टॉप मॉडल की आपने देखा होगा ZX प्लस की जी, इसमें DRL आता है जी, प्रोजेक्टर लगे आते हैं, लेकिन इससे नीचे का वेरिएंट है इसमें सिर्फ हेलोजन दिया जाता है जी। और नीचे आपके फॉग लैंप नहीं दिए जाते। तो ये सब भैया यहाँ पे हमने इंस्टॉल करा है या पहले से लगे? नहीं भैया, इंस्टॉल किया है हम लोगों ने जी। तो हमारे पास भी ये नई ब्रांड आई है कोजो की, तो इसमें आपको 240 वोल्ट आपको LED मिल जाती है और पावर बेहतरीन रहने वाला है जी। एक बार मैं आपको रिस्पांस भी चेक करवा दूंगा, डे टाइम में तो इतना खास कुछ पता नहीं लगेगा नहीं, अगर शाम तक गाड़ी रही तो मैं आपको रिस्पांस भी चेक करवा दूंगा जी भैया। बाकी अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी का। और एक बार मैं हैलोजन भी दिखाता हूँ कंपनी आपको देती है। दिखा दीजिए भैया, ये देखो अपने हैलोजन बल्ब, ये देखो इतने से बल्ब होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 45 या 35 वोल्ट की इसकी वो होती है मैक्सिमम पावर, है ना भैया? भैया एक आपको वही मिल जाता है इसमें नॉर्मली 28 वोल्ट का, 28 वोल्ट बस, एक 28 वोल्ट का, तो दो का आप देख लो कितना हो गया। तो वही बात है ना भैया, फिर यानी रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है। और साथ में ये देखो भाई, 2 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी, यानी कि वारंटी की ठीक करके देंगे, सीधा रिप्लेस करवाओ, सीधा रिप्लेस करवाओ भैया, कोई भी दिक्कत वगैरह आती है सीधा चीज आपको चेंज करके नया चीज मिल जाएगा जी भैया। और अच्छी पावरफुल रहने वाली है, तो इसकी अगर रात तक गई तो मैं रिस्पांस भी आपको चेक करवा दूंगा। तो इसके नीचे तरफ भी हम लोग ने प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स लगा दिए, ये देखो भाई प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, इसके अंदर LED रहेगी भैया 115 वाट, 115 वाट भी काफी है, यानी काफी है भैया प्रोजेक्टर के लिए। वैसे आप जा सकते हो तो इससे ऊपर की भी रेंज है अपने पास जी भैया। फिर इसके अंदर प्रॉपरली फ्यूज देख लो आप, ये देखो भाई, यानी कहीं भी दिक्कत आए तो सबसे पहले फ्यूज ही उड़ेगा, सिंपल सा इसको निकालो, रिले वायरिंग ये रही और प्रॉपरली सेव किया गया है, टाई बेल से कहीं इधर उधर हिलेगा नहीं, प्रॉपर काम किया गया जी भैया। उसके बाद अंदर की तरफ काम किया, अंदर की तरफ आप आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको, दिखा दीजिए एक बार अंदर की तरफ क्या कुछ रहने सबसे वाला पहले भी साइड प्रोफाइल में मैं आपको बात करूं तो डैम्पिंग की हम लोगों ने, यहाँ का साउंड सुन लो आप, ये देखो भाई डबल लेयर, अपनी डबल लेयर है भैया, मिंडा की डैम्पिंग, मिंडा की वही अपनी जो प्रीमियम ब्रांड वो रहती है, प्रीमियम ब्रांड रहती है भैया मिंडा की, कर दिया भैया इसके अंदर चारों डोर में और डिग्गी में जी भैया, तो प्रॉपरली डबल लेयर रहने वाली है भैया। फिर अंदर की तरफ जो हम लोगों ने काम किया भैया, इसके अंदर आपको मैं दिखाऊं तो इसके अंदर चेक मैट कर रहे हैं फ्लोरिंग, जो कि अपनी सर्टिफाइड रहती है कंपनी की, और प्रॉपरली आपको रिंकल प्रूफ यहाँ पे मिल जाएगी, प्रॉपर इसकी फिटिंग आप चेकआउट कर सकते हो जी। इसकी लाइफ भी और नॉर्मली फ्लोरिंग के मुकाबले इसकी लाइफ ज्यादा रहती है। ये देखो भाई फ्लोरिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी थिकनेस वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छी थिकनेस है, और सबसे प्रीमियम ब्रांडिंग रहती है ये चेकमेट वाली जो होती है। जो आप नीचे की फ्लोरिंग के बारे में आप बात करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट पे जाते हैं, हाईएस्ट पे भी है तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक है ना अच्छी और नॉर्मल बजट में आपको बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है चेकमेट, तो अच्छी फ्लोरिंग है, मतलब कि मैं खुद ही पर्सनली यूज कर रहा हूँ, बाकी कस्टमर को भी दिया हो तो अभी तक मुझे कोई इस चीज का प्रॉब्लम मिला नहीं है जी भैया। बहुत बढ़िया ब्रांड है और अच्छा भी चल रहा है भैया जी भैया। बाकी इसके अंदर कस्टमाइज हम लोग सीट कवर भी कर रहे हैं, तो कस्टमाइज सीट कवर मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद इसके अंदर मैक्सेल का हम लोगों ने लगाया यहाँ पे, मैक्सेल का एंड्रॉइड, क्योंकि आपका 4 ट्रोसर रहता है जी, प्रॉपरली वर्किंग के साथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको सब मिलता है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ जी। और इसके अंदर ड्यूल स्क्रीन भी चल सकता है भैया, ड्यूल स्क्रीन भी हो सकता है, ड्यूल स्क्रीन भी इसके अंदर चल सकता है। फिर बैक कैमरा हम लोगों ने HD पीछे की तरफ लगाया है जी, वो भी फिटमेंट मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखो भाई बैक कैमरे की प्रॉपरली फिटमेंट, ये देखो भाई फिटमेंट वगैरह कितनी, और सेंसर वर्किंग भी प्रॉपरली मिलने वाला है, 4 सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। देखो भाई यहाँ पे किसी भाई को रिफ्लेक्टर लगवाना है रिफ्लेक्टर लगा लो, किसी भाई को बम्पर गार्ड लगवाना है तो बम्पर गार्ड भी आप लगवा सकते हो, आपकी ऑप्शन है। डिग्गी मैं आपको दिखा देता हूँ, डिग्गी में भैया सबसे पहले चेकआउट करो, ये भी अपनी 3 mm की रहती है, 2.8 mm की, ये भी 2.8 mm की, 2.8 mm वाली है, देख लो भाई 2.8 है इसकी थिकनेस अच्छी, और साथ में मेल्ट भी नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा भैया, मेल्ट की तो वैसे ही आपको प्रॉफिट मिल जाती है, प्लस मैं इतने टाइम से भी इसको सेल कर रहा हूँ आज तक मुझे कोई भी इसकी दिक्कत नहीं मिली किसी भी कस्टमर जी भैया। तो बहुत अच्छी पकड़ है, मैं कहूंगा कि अगर करवाते हो आप डैम्पिंग होगी, जैसा आपका बजट है वैसा जा सकते हो, मैं ही नहीं कहूंगा कि प्रीमियम ब्रांड में मिंडा में ही जाओ, आप किसी में भी जा सकते हो जैसा आपका बजट हो, इतना प्रीमियम भी नहीं है लेकिन इतना लोएस्ट भी नहीं है, अच्छा आपको मिल जाता है बजट इसके अंदर, बजट क्वालिटी इसकी अच्छी है जी, बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है, मतलब कि इतनी जल्दी अपने मेल्ट वगैरह करने को नहीं मिलेगा। हाँ यही कुछ है अभी फिलहाल,
और जैसे इसका काम कम्प्लीट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली भाई अपनी गाड़ी का जो सारा काम तो यहाँ कम्प्लीट हो चुका है और ये सारा काम हुआ अपनी प्रीमियम शॉप A4 कार एक्सेसरीज पे। क्या कुछ अपग्रेड है वो हम आपको बता ही चुके थे, बारी रिस्पॉन्स की और एक ओवरव्यू देखने की गाड़ी में क्या कुछ हमने यहाँ पे चेंजेस किए है। तो अंकित भाई सारा काम हो गया गाड़ी में भैया, ऑल सेट पूरा काम कम्प्लीट है यहाँ पे जी भैया। फ्रंट से मैं आपको बता देता हूँ, आईपेड प्रोजेक्टर लगाया, प्रोजेक्टर के साथ 115 वाट की एलईडी लगाई है जी भैया। जैसे कि आप बता रहे थे दिन में कि नाइट में रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा देखने, अभी नाइट हो गया सीट कवर लगता है तो रिस्पॉन्स मिलेगा इसका जी। उसके बाद आपको मैं बता दूं प्रॉपर्ली रिले से अपनी अटैचमेंट है भैया, प्रॉपर्ली रिले इसके अंदर लगाई गई है और फ्यूज वगैरह सब कुछ मैं आपको चेक करवा दिया था। बाकी क्रोम भी लगाया गया है? नहीं भैया क्रोम ये टॉप मॉडल में आता है, ये टॉप मॉडल में ऑलरेडी लग गया है। VXI, ZXI, ZXI प्लस तीनों में आपको ये क्रोम मिल जाएगा जी भैया, और इसकी ग्रिल में भी क्रोम मिल जाएगा। बाकी से नीचे की ब्रांड लोगे तो यहाँ पे भी क्रोम नहीं मिलता, कुछ और आता है जी भैया। फिर इसके ऊपर लगाई भैया 240 वाट की एलईडी जिसका पावर मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। वारंटी मिल जाती है फॉग लाइट ऑन है जिसमें जो प्रोजेक्टर लगाया, चेक कर लो फर्क आप देख सकते हैं अभी ओनली फॉर अपना फॉग लैंप है भैया। यानी गाड़ी की अगर हेडलाइट बंद कर दो तो प्रोजेक्टर से इंसान गाड़ी इजिली चला सकते हो। वैसे नॉर्मल जैसे कि आप मिंडा वगैरह लेते हो उसके अंदर ये एलईडी डालोगे तो इतनी पावर नहीं मिलेगी जितनी पावर आपको लेंस के अंदर मिल रही है। इससे जो थ्रो जो है थोड़ा फैलता भी है, यानी हाँ कंसंट्रेट करता है इस जगह पे बढ़िया। और अगर हेडलाइट चालू करते भी अपने हेडलाइट, ये देखो भाई हेडलाइट ऑफ कर दो सब कुछ भी एक बार, ये देखो भाई सामने का भी ऑन कर दो सारी चीजें, डिपर मारना भैया। ये देखो भाई कितना ही खतरनाक और कितना ही ब्राइट रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि 240 वाट इसमें बताया है, रियली 240 वाट की पावर भी देख सकते हो, आपको पावर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफी तगड़ी पावर हैरियर के पास आपको देखने को मिल जाएगी अगर मैं सब चीजों को ऑफ करता हूँ। हैरियर तो पूरा यहाँ पे क्लीन देखने को मिल रहा है अगर मैं हर चीजों को ऑन करता हूँ। देखो ये देखो भाई कितना ज्यादा साफ इमेज देखने को मिल रहा है और काफी पावरफुल है, यानी रेंज भी अच्छी खासी देगी, रेंज भी अच्छी खासी आपको कवर करके दे देगा। बाकी आफ्टर मार्केट चाहे मारुति जेन्युइन में आपको डोरवाइजर चाहिए, लोअर गार्निश चाहिए, हैंडल क्रोम चाहिए, साइड बिनिंग चाहिए, चारों ऑप्शन अपने मिल जाएंगे इसके अंदर। साइड अपना हैंडल क्रोम हम लोगों ने लगाया है, बाकी तीन चीजें कंपनी से इंस्टॉल होके आई थी भैया। ये अगर हमारे पास आपको चाहिए आफ्टर मार्केट जेन्युइन दोनों मिल जाएगी। आफ्टर मार्केट में तो अपने पास क्रोम वाला पीस अवेलेबल है, क्रोम वाला पीस भी अवेलेबल है, बाकी विदाउट क्रोम भी है, जैसा आपका ऑप्शन हो। यानी दो तीन आइटम्स हाँ जी। अगर बेस टू टॉप आप करवाओगे, बेस मॉडल लेके आओगे तो मात्र 8,000 रुपए की आपको साइड मिरर मिलने वाले हैं। 8,000 रुपए में भैया टोटली आपको फिट करके दे देंगे, वायरिंग वायरिंग हर चीज कुछ आपको अलग से मिल जाएगा। देख लो भाई 8,000 रुपए में आपको यहाँ पे मिरर देखने को मिल जाएंगे और प्रॉपर न्यू रहेंगे और जेन्युइन रहेंगे, ये न्यू रहेंगे, जेन्युइन रहेंगे, सेकंड हैंड नहीं रहेंगे, जाके कंपनी में आप चेक करवा सकते हैं हैंड टू हैंड। उसके बाद बैक साइड में हम लोगों ने इसमें लगाया दिया कैमरा, ये देखो भाई उसके पीछे का यहाँ पे बम्पर गार्ड हम लोगों ने लगाया है, ये स्टील में रहने वाले भी हैं, काफी मजबूत स्टील में रहने वाले हैं, स्टील हाँ काफी मजबूत रहने वाला है, कहीं नहीं इधर उधर होने वाला। देखो भाई यहाँ पे आपको डिजायर की बेजिंग भी देखने को मिल रही है और साथ में इस पर भी फॉर्म भी लगी हुई है, बिल्कुल नया पीस यहाँ पे लगा के दिए जी। स्ट्रेंथ वगैरह कितनी अच्छी लगी है। अगर कोई भाई ये नहीं लगवाता है तो पीछे डिफ्यूजर का ऑप्शन भी आता है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर का भी ऑप्शन आता है, दोनों चीज आप मेरे पास इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अंदर की तरफ, तो इससे पहले बता दूं मैं आपको डोर में डेंटिंग की आप लोगों ने, यहाँ पे फेंडर का साउंड सुन लो आप जी भैया, और यहाँ पे इसका साउंड सुन लो, ये देखो भाई दोनों में कितना ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है, ये खोखली सी आवाज वहां से आ रही है जहाँ हमने डेंटिंग नहीं करी है जी भैया। बाकी आपने यहाँ की आवाज चेक किया है जहाँ पे हमने डेंटिंग करी, कितना ज्यादा हैवी देखने को मिल रहा है। मेन जो इंटीरियर के अंदर दिखाते हैं क्या कुछ अपग्रेड है, तो अंकित भैया बात करें इंटीरियर में क्या कुछ अपग्रेड है भैया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऊपर का बेज आता है ये सब अपना क्रीम में आता है जी भैया, क्रीम शेड ही चाहिए था कुछ, और ये लग्जरी इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हो, प्रॉपरली फिटिंग आपको मिल जाएगी, प्रॉपरली कुशनिंग मिल जाएगी और ड्यूल टोन में हमने रेडी किया है। काफी गाड़ी में लगाया, काफी पसंद भी आ रहा है कस्टमर्स को ये सब सीट कवर, क्योंकि उनको थाई सपोर्ट भी मिल जाती है, एक्स्ट्रा कुशनिंग भी मिल जाती है, जिनके कमर पे पेन वगैरह है जो आराम से रिलैक्स नहीं हो पाते नॉर्मल सीट कवर्स पे, वो अपने गाड़ी में यही से कंफर्टेबल लगवाते हैं जिससे वो इजीली अपने गाड़ी को ड्राइव भी कर पाए और फुल एंजॉय कर पाए, मतलब कि गाड़ी चलते समय उनके कोई कमर में पेन वगैरह ना हो, ऐसा ना लगे लंबी ट्रिप वगैरह मारने के बाद कि हाँ भाई हम थक रहे हैं जी। तो इसलिए सीट कवर लगते भी है कस्टमाइजेशन, अगर आपकी मिडिल एज है चाहे आपकी हाई एज है तो आप इजिली कोई भी इसमें हर नॉर्मल एज का बंदा भी इजिली इस पर ड्राइव कर सकता है जी भैया, इसकी एज अपना कोई डिपेंड नहीं है, आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन भैया मुझे एक डाउट है, क्योंकि कस्टमर ने कई बार हमारे साथ कमेंट भी आता है कि जैसे कि इतनी सारी फॉर्मिंग लगाई है हमने, ये 2-3 महीने फिक्स करी जाएगी भैया, 2-3 महीने ये फिक्स करेगी नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा इसकी जो होती है नॉर्मल डेंसिटी होती है तो ये थोड़ी सी अपने साइज से थोड़ी सी नीचे एडजस्ट हो जाती है अपनी जगह पे, 15-20 दिन में एडजस्ट हो जाएगी, उसके बाद ये कभी कम नहीं होगा, उसके बाद कम नहीं होगा, 15-20 दिन लेगा आपका एडजस्ट होने में, एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद ये कभी कम नहीं होगा ठीक है। और एक क्वेश्चन और रहता है कि जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है जी, तो हमने इतनी अच्छी और इतनी अच्छी खासी यहाँ पे ये चुभेगी नहीं,
चुभेगी नहीं भैया, दाने वगैरह बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग डालते हैं एयर पासिंग डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, एयर पासिंग जी, एयर पासिंग अपनी फोमिंग रहती है और अंदर एयर पासिंग वाले कुछ नहीं रहती है, तो इसलिए आपको कहीं पे भी इफेक्ट वगैरह नहीं करेगा कमर पे, इसके लिए आप बेफिक्र हो। पीठ वगैरह पे आपको कोई गर्मी वगैरह हीटिंग वगैरह नहीं होगा, लेकिन कोई भी आप सीट कवर्स लेते हो, चाहे अपना लेदर में हो चाहे फैब्रिक में हो, कोई भी होगा भैया, थोड़ी बहुत नॉर्मली आपको गर्मी के टाइम में पसीना वगैरह आएगा ही है। वो तो है भैया, नहीं वैसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं भैया बता रहे हैं। ना 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 भैया, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और उसके बाद भी मैं आपको बता दूं, ये VXI मॉडल था, VXI नहीं, VXI से ऊपर है थोड़ा सा जी, VXI मॉडल लेने वाला है जी। इसमें आप डोर पैनल देख सकते हो, पावर विंडो लग के आता है। अगर कोई भाई बेस मॉडल लेता है LXI चाहे टूर जी, ये पावर विंडो मैं मात्र उनको 13,000 रुपए में फिट करके दे दूंगा गाड़ी। पावर विंडो दे दोगे क्या भैया फिट? वो ना भैया, बेस टू टॉप, बेस टू टॉप पे सारा कुछ कंप्लीट करके भी आपको कुछ अलग से नहीं देना खर्चे में। ये तो नहीं कहीं खाली 13,000 रुपए में आप खाली यहाँ पे ये डोर डोर? ना ना भैया, डोर वगैरह नहीं, स्विच भी रहेगा, वायरिंग भी रहेंगी, कैचिया भी रहेंगी, फिम्बल भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा भैया, सब कुछ इंक्लूड रहेगा, कुछ आपको अलग से चार्ज नहीं देता। ऐसा नहीं है कि सारे आइटम्स के बाद मैं नीचे लेबर लिख दूंगा, किसी चीज के लेबर नहीं देने, सब कुछ आपका लेबर इंक्लूड रहेगा जी भैया। बेस टू टॉप लेकिन भी आपको करवाना पड़ेगा, बेस टू टॉप पे ही ये प्राइस आपको मिलने वाला है। 13,000 के अंदर ऐसा तो नहीं भैया कहीं आरडिया कोई और कंपनी? ना भैया, ना भैया, कोई कैची वैची सब मारुति का जेन्युइन रहेगा, आप खुद चेक करके लगवाना भैया, जब तक आप सैटिस्फाइड नहीं। बिल्कुल 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 सैटिस्फाइड। स्टीयरिंग आप बेस टू टॉप पे लोगे भैया तो मात्र 2,000 रुपए। मीटर आप बेस टू टॉप पे लोगे भैया तो मैं आपको 8,200 रुपए में आपको मैं फिट करके दे दूंगा जी भैया। देख लो भाई, 8,200 में आपको यहाँ पे मीटर मिल जाएगा अगर आप बेस टू टॉप काम कराते हैं जी। और बाकी स्टीयरिंग जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2,000 रुपए में। और इसका जो हवा आता है भैया उसकी क्या इंक्लूड रहेगा भैया? इंक्लूड रहेगा, 2,000 रुपए ही इंक्लूड रहेगा, यानी एक तरीके से फ्री है अब हमारा। अब फ्री है भैया, वही तो कैसे, एक तरह से, हाँ एक तरह से आपका इंक्लूड ही रहेगा जी। और बाकी गेयर नो मेरी तरफ से आपको फ्री कॉस्ट मिलेगा आपको, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करने हैं जी भैया। बाकी अब हम इस वाली गाड़ी पे आते हैं तो नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे चेकमेट की फ्लोरिंग आप देख सकते हो, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा तो आपकी वीडियो में थोड़ी बहुत रिंकल वगैरह देख रही होगी। अब हर जगह अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है, कहीं भी आपको रिंकल बटिंग वगैरह कुछ नहीं देखने को। फ्लोरिंग तो यही फायदा ना भैया, कंपनी से ही हर गाड़ी का डिजाइन अलग बन डिजाइन बन गया था। अगर मैं डिजाइन अभी चाहूंगा शिफ्ट में लगा तो नहीं लगा सकता, अगर मैं एक्टिवा पे जाऊँ डिजाइन में एडजस्ट करना तो नहीं कर सकता, जैसे हम क्रोकोडाइल फ्लोरिंग में कर देते थे। जैसे की स्विफ्ट की है तो रियल में भी चलती है और डिजाइन वाली स्विफ्ट में भी चले जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नहीं होगा, अपने शेप के हिसाब से तैयार होकर आएगा, अपने खांचे बना के ही आएगा जी। तो अलग से इस गाड़ी उस गाड़ी में नहीं चढ़ सकता जी भैया। बाकी आते हैं हम लोग एंड्रॉइड की तरफ भैया, एक बार मैं आता हूँ गाड़ी में आपको एंड्रॉइड का भी समझ। तो भैया एक चीज मैं आपसे भूल रहा था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ड्यूल टोन जैसे हमारा सीट कवर क्या रहने वाला है वैसे ही हमारे यहाँ पे स्टीयरिंग का भी ड्यूल टोन रैप किया गया है जी भैया, प्रॉपरली ब्लैक एंड बेज के थ्रेड में आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्लैक का अपना मून डिजाइन रखा गया है, बाकी अपना फुल बेज में रखा गया है। स्टिचिंग आप चेकआउट कर लो प्रॉपरली, और बकेट शेप में अपना रहने वाला, मतलब की जो OEM फिटमेंट आती है सेम फिटमेंट आपको यहाँ पे करके दी गई है। यहाँ पे आपको कम्फर्ट भी मिलेगा और ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर हिलाऊंगा तो अपना रनिंग वगैरह कुछ होगा, ऐसे मूव वगैरह कुछ नहीं होगा, अपना प्रॉपरली रहने वाला है भैया। बाकी भैया इससे कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आएगी हमें? नहीं भैया, स्वेटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होने वाली और इजिली कंफर्ट लेवल में आपके कंफर्ट जोन में ही रहेगा ये देखो भाई। बाकी लग्जरी लग रहा है भैया जब इसको और यहाँ पे सीट कवर के मैच के हिसाब से देखे ना तो एक अलग लुक निकल के आ रही है हमारी इंटीरियर की भैया, इनहेंस होता है। और प्लस मैं ये बताऊँ आपको, कोई भाई पूरी गाड़ी में कलर चेंज करवाता है उनका टेस्ट है कि उनको अलग कलर ही चाहिए पूरा जी। अगर किसी भाई को अलग कलर नहीं चाहिए तो अपने इंटीरियर के मैचिंग के हिसाब से ना कुछ ऐसा कस्टमाइज बनवा भी सकते हैं जो उनको पूरा सेपरेट हो जाएगा गाड़ी के अंदर। जैसे कि हमारे फौजी भाई आ रखे हैं और उनको कुछ ऐसा ही चाहिए था, गांव लेके जाते गाड़ी को अपने, तो उनको दिखाना ही था अलग तरीके से, तो अलग तरीके से गाड़ी को पेश करना चाहते हो अपने घर पे। बाकी आपने जो जहां तक हो सकता था मैं अपना बेस्ट दिया, मैं अपना बेस्ट दिया हूं भैया पूरा। बाकी कुछ कमी बेशी हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में कर सकते हैं, वो भाई वो आप कमेंट करके बताना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा जी भैया। बाकी अब हम लोग आते हैं एंड्रॉइड की तरफ, तो ये अपना 464 रहने वाला है, प्रॉपरली एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो भैया, वायरलेस वायरलेस भैया। यहाँ पे आपको जेड लिंक का सपोर्ट मिल जाता है जी भैया। बाकी आपको यहाँ पे सारे एप्स वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, प्ले स्टोर और गूगल मैप आपको ऑफिशियली यहाँ पे दिया जाता है। बाकी कुछ अदर एप्स अपडेट करने हैं तो यहाँ पे आप ID बनवा के अपना इजिली इसको कर सकते हैं, यानी पूरा फोन की तरह है, फोन की तरह है भैया। और प्लस कारप्ले अपना कनेक्ट होता है तो इजिली टू वर्क रहता है, कोई भी आपको फिर इसमें नेट वगैरह का सपोर्ट नहीं देना होता जी, ये ऑटोमेटिक अपना नेट वगैरह खुद यहाँ से अपने फोन से ले लेता है, यानी कारप्ले इसका ऑन हो जाता है तो जी बिल्कुल भैया। उसके बाद ये आप इसमें कोई चिप वगैरह लगाते हैं चाहे कुछ भी लगाते हैं तो सारे सपोर्टर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जी। देखता हूँ कोई वीडियो हो तो आपको कुछ क्लियरिटी पता लग जाएगा। ये देखो भाई ये अपनी डिस्प्ले की क्वालिटी है भैया, डिस्प्ले की क्वालिटी आप चेकआउट कर लो, पूरे एजेस बेजल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे जो अपनी जो भी कुछ कर रहे हैं
तो सब कुछ के यहाँ पे कलर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रॉपर कलर रहने, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ये नहीं कि आंखों में दर्द हो इसको देखने के बाद, एक होता है ना बिल्कुल लो क्वालिटी में थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद भी ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह सब मिलता है और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के बाद आपको ब्लूटूथ कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजिली टू वर्क रहेगा। माइक वगैरह पूरा सपोर्ट है इसमें, माइक वगैरह पूरा सपोर्ट है। ठीक है भैया, बाकी नेक्स्ट बात करें, एक थोड़ा सा एक छोटा सा काम रहेगा इसमें जो गाड़ी की लुक को और एनहांस कर देता जी, वो है हमारी एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट भैया को चाहिए ही नहीं था, लाइटिंग अंदर से कुछ काम ही नहीं करवाना था। बाकी इसके अंदर पीछे हमने बेस इंस्टॉल किया है जी, बूफर अपना रहने वाला है हाइपरसोनिक का 10 इंचेस में, तो एक बार उसकी बेस भी मैं आपको सुनाया था, उसका साउंड और बेस का फील कैसा। ठीक है भैया, बाकी भैया म्यूजिक तो बहुत बढ़िया था गाड़ी के अंदर, एक बेस लगाया है, लेकिन एक बोलते हैं ना जैसे कान में बिल्कुल भी नहीं चुभती आवाज है, कई बार क्या होता है ना एक हाई रेंज वॉल्यूम तो लगा देते हैं पर उसकी सेटिंग बढ़िया नहीं होती है, कानों में चुभती है, वो चीज इसमें देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके से आपने बताया ना इसमें बेस ट्यूब वगैरह भी लगा है, एक अलग ही मजा है गाने का। भैया मेन दिक्कत ये थी, बताता हूँ मैं आपको, कि भैया मैं जो स्पीकर्स लगे थे कंपनी के थे जी, कंपनी में इतना पावर नहीं होता, मतलब कि मैं उनको अगर एम्पलीफायर से चलाऊं तो चलेंगे नहीं जी, तो भैया ने कहा था कि मुझे इतना बेस का लाउडनेस भी नहीं चाहिए और प्लस मैं स्पीकर्स मेरी ये ठीक चल रहे हैं, मुझे इतना कुछ मतलब कि स्पीकर्स में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, तो उसी के हिसाब से फिर हम लोगों ने बेस रेफर किया भैया को कि नॉर्मल बेस आप लगवाओ जिसमें एम्पलीफायर इनबिल्ट रहता है, इजीली आपको बेस का मजा भी मिलेगा प्लस आपका साउंड भी आपको कैवरेज कर ही लेगा, तो नॉर्मल बजट में आपको मतलब कि ठीक काम कर जाएगा, यानी एक अंडर बजट रहने वाला। एक बता दीजिए भैया कि जैसे उन भाइयों के लिए जो थोड़ा बजट वाला काम करवाना चाहते हैं, तो एक अंडर बजट में बेस शूट आप कितने में कर दोगे आप? भैया देखिए, एक अंडर बजट में आपको बताऊं तो 35,000 से 40,000 के अप्रोक्स में अपना स्टार्टिंग हो जाता है भैया, बेस टू टॉप, बेस टू टॉप, जिसमें आपकी मेन मेन चीजें काम की होती है, जो आपको चाहिए ही चाहिए गाड़ी के अंदर जी, वो सारी चीजें उसमें ऐड रहती हैं जी भैया। बाकी आपका बजट है भैया 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 लगाने वाले तो 2 लाख भी लगा देते हैं। मेरे पास तो ऐसी ऐसी गाड़ियां तैयार हुई है डिजायर के अंदर, मैं 1,20,000 का भी काम कर रहा हूं जी भैया, तो आपका टेस्ट है, आपका काम है, आप चाहते हो कि एक बार मेरी गाड़ी खुले, एक बार में मेरी गाड़ी पैक हो, मतलब कि दोबारा मुझे उसके अंदर पैसे नहीं डालना जी, तो आप एक बार में काम करवा सकते हो। अगर आपका बजट ही कम है थोड़ा सा, आपको उस बजट के अंदर में सारा काम करना है जी भैया, तो आप उस बजट को देख के काम कर सकते हैं जी, तो वो आपके बजट के ही ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया भैया, एक बैक कैमरा था, मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ, फिर करते हैं इसको एंड। हम लोग दिखा दीजिए एक बार भैया बैक कैमरे का रिस्पॉन्स किस तरीके से रहने वाला है। तो ये देखो भाइयों, हमारे बैक कैमरे का रिस्पांस कितना ही ज्यादा यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह मूविंग है हमारी सारी भी, ये सब कुछ मूविंग है और प्लस गाइडलाइंस भी आपको मिल जाएंगे, ग्रीन, ब्लू, येलो और रेड के शेप में आपको सब कुछ गाइडलाइंस वगैरह प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएंगे, पार्किंग में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी जी, और प्लस आप देख सकते हैं कलर्स वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएंगे प्रॉपरली, तो इसमें आपको कुछ भी फर्क वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर वाइड एंगल है अपना, हाँ प्रॉपरली वाइड एंगल है और 170 डिग्री तक हम पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, बाकी गाड़ी में यही कुछ हुआ था, यही कुछ हुआ था भैया, और मोटा मोटा तो मैं आपको सब कुछ दिखाई चुका हूँ यहाँ पे, सब कुछ बताई चुका हूँ आपको मैंने, जैसा आपका बजट हो आप ऐसा काम करवा सकते हो मेरे पास आके शॉप पे। इसके लिए कहाँ आना पड़ेगा भैया? दिल्ली कटोरबा अब्दुल अजीज रोड शॉप, नाम है A4 कार एसेसरीज, और अगर मैं नंबर बताऊं आपको तो 9643369793 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, नाम अंकित है भैया, किसी भी टाइम आपको आना है आप आ सकते हैं, एनी टाइम मेरी शॉप पे आ सकते हैं, बस एक कॉल करना पड़ेगा आपको, एक कॉल कर लीजिए चाहे मैसेज कर दीजिए, मैं लोकेशन वगैरह आपको शेयर कर दूंगा, इजीली मेरे शॉप पे विजिट कर लीजिए, जैसा काम करवाना है, जैसा मॉडिफिकेशन करवाना है, आपका जैसा भी टेस्ट है वैसा मॉडिफिकेशन व्यवस्था करवा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस काम के लिए आपको आना पड़ेगा A4 कार एसेसरीज पे। बाकी वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखनी है विद प्राइस के साथ तो हमें फॉलो कर लीजिए हमारे, और भैया जो बंदा चैनल सब्सक्राइब करके आएगा जी, टोटल बिल उनका कितना भी बने भैया, 15,000 का बने चाहे 50,000 का बने जी, उस पर डिस्काउंट मिलेगा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बंदे आते हैं, तो भाई घर से करके आना, ये नहीं की दुकान पे आने के बाद कर रहा सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करके आओ, टोटल बिल जितना भी आपका बने, गिफ्टेड आइटम छोड़ के, गिफ्टेड आइटम मैं कभी जोड़ता भी नहीं हूँ ना बताता हूँ जी भैया, उसको छोड़ के टोटल बिल आपका जो भी बनेगा उस पर डिस्काउंट आपको मिलेगा। लो भाई भैया ने बताया जितना भी आपका बिल बनेगा ना उस पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब करके आना पड़ेगा जी, तो देख लो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपका ही प्लान है अपने डिजायर को एक अलग लेवल पे ले जाने का तो आप आ सकते हो हमारी शॉप A4 कार एसेसरीज पे। बाकी वीडियो को करते हैं एंड, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ।